गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल वीडियो एक शेयर किया था कि फील्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट कैसे करते हैं ड्राई डेंसिटी के लिए, आज मैं इस वीडियो में अपलोड करूंगा कि उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे फिलअप करके भेजते हैं और रिपोर्ट जब आता है हमारा तो उस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होता है और हमारा रिपोर्ट कैसे लेबोरेटरी से प्रिपेयर होकर आता है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो दोनों एक साथ डालता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरा वीडियो में देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप किया हूँ, लेबोरेटरी में सैंड का सैंपल भेजा, उसके बाद में आज मेरे पास उसका रिपोर्ट एक दिन बाद आ गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रिपोर्ट इन सीटू डेंसिटी टेस्ट, ठीक है, नेशनल लेबोरेटरी से आया है हमारा ये। ठीक है, इसमें आपको रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम है, क्लाइंट कौन सा है, प्रोजेक्ट क्या है, लोकेशन उसका, कंसल्टेंट। ठीक है, और मैं जब रिक्वेस्ट फॉर्म बनाया उसमें आपको बताया था रेफरेंस नंबर के बारे में, तो यहाँ रेफरेंस नंबर मेंशन है। ठीक है, रिपोर्ट डेट रिपोर्टेड मीन्स हम किस डेट को सैंपल दिए, ठीक है, रिपोर्ट आने का और किस डेट में हम लोग सैंपल लैब में भेज दिए। ठीक है, टाइम दिया होगा किस टाइम पे टेस्ट हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप अभी इसमें देख सकते हैं कि सैंपल ब्रिटेन बाय द नेशनल लेबोरेटरी स्टाफ आया था, वहाँ से आदमी वो ले गया। ठीक है, सैंपल सोर्स हमारा साइट का है। ठीक है, यूनिट सैंपल फ्रॉम रोडवेज, मैं जैसा कि उसमें वीडियो में आपको मेंशन किया हूँ कि उसमें रोडवेज टेस्ट हम लोग लिए थे। ठीक है, इसमें बाकी डिटेल्स लेवल, चूँकि ये लेवल का मतलब है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग जिस लेवल पे हम लोग चेक कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो हम लोग लेवल उस समय फाइंड लेवल हम लोग नहीं मेंशन करके दिए थे जब ही सैंपल भेजे उस समय, इसलिए वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन वो हम लोग को लेवल पता होता है, सबको पता होता है जो वर्क करता है उसका। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं वेदर कंडीशन और ये OMC परसेंटेज मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या था हमारा फाइनल लेयर का। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 2.14 और 8.2। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज है वो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा सैंपल नंबर, ये हमारा रिफरेंस नंबर, ठीक है, 9417 और सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4, 4 पॉइंट का हम लोग सैंपल लिए थे। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट नंबर भी दे दिया है 4 पॉइंट का 1, 2, 3, 4, यहाँ रिफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग और यहाँ ऐसे नंबरिंग सिस्टम में दिया 1, 3, 4 सैंपल का। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं इन सीटू बल्क डेंसिटी जो है हमारा क्या है, इन सीटू मॉइस्चर कंटेंट क्या है, इन सीटू ड्राई डेंसिटी क्या है और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, फाइनली हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन परसेंटेज में कितना है, जो हम लोग सैंड भेजे, जो रोडवेज भेज दिए हम लोग लैब में, उसका कितना परसेंट वो कॉम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जैसे देख सकते हैं इसमें मेंशन है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन इन परसेंटेज 95%, 95%, 96 और 96। ठीक है, मेनली जो है किसी भी फील्ड में स्ट्रक्चरल वॉल के लिए जो है हमारा मोर देन 90% कॉम्पैक्शन होता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सॉयल का वहाँ का और एरिया का। ठीक है, कि वहाँ का सॉयल का क्या बियरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और जब भी डिज़ाइन होता है बिल्डिंग का उस समय हर एक एरिया के अकॉर्डिंग कि वो एरिया कौन सा जोन में आता है, कौन सा सिस्मिक जोन में आता है, उस एरिया का सॉयल कंडीशन क्या है, वो नियर अबाउट सी है या फिर वो ड्राई है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं हमारा 95 है, रीच किया है हमारा डेंसिटी जो हम लोग कॉम्पैक्शन किए हैं उसका, यानी बहुत अच्छा से कॉम्पैक्ट हुआ है हमारा सैंड। ठीक है, टेस्ट मेथड आप उसमें है ये देख सकते हैं, BES मीन्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड 1377 के अकॉर्डिंग पार्ट 9 1990। ठीक है, ये हमारा कोड है जिसके अकॉर्डिंग ये सैंपल का कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, ये कैलकुलेशन फाइनल कैसे आता है मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ड्राई डेंसिटी और फाइंड आउट करते हैं उसका कैलकुलेशंस क्या होता है। ठीक है, और ये इन सीटू मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, इन सीटू ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ये सारा चीज़ का मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा आप लोग। ठीक है, अब इस पेज में तो जनरल इन्फॉर्मेशन और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है सैंपल का वो बता दिया है। ठीक है, अब जैसे अदर पेज पर आप आ जाओ तो आप यहाँ पे अदर पेज में जैसे देख पा रहे हो आप लोग,
इसमें भी सैंपल नंबर है, ये हमारा लेबोरेटरी रेफरेंस नंबर, और ठीक है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट नेम और एरिया है, कंसल्टेंट कौन है, डेट दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखने वाली है कि सैंपल का डिस्क्रिप्शन क्या था हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सैंपल हम लोग लैब में भेजे उसमें क्या कंटेंट था, ग्रेइस ब्राउन स्लाइटली सिल्टी सैंड या ग्रेबल, इन उसमें मिक्स्ड था ये सारा चीज़, इसलिए वो प्रोवाइड उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सैंपल यूज सिंगल साइट, अब जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इस साइड में अगर आप देखें तो रिटेंशन पार्ट डेंसिटी mg पर मीटर की हो, आपको मालूम है जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी भी सैंड का या फिर किसी भी टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग उसमें क्या परसेंटेज है ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट का, वो यहाँ पे परसेंटेज है रिटेंशन ऑन 37.5% ऑफ 20 mm सीव। जैसे हम लोग सीव एनालिसिस पढ़े थे अपने इंजीनियरिंग में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट में, उसी सीव एनालिसिस के थ्रू इसमें 23.5% जो है 20 mm, मोर देन 20 mm का जो ग्रेवल है वो उसमें रिटेन किया है, ठीक है। मोल्ड यूज़ जो इसमें किया है CBR, आप मालूम है ना कॉम्पैक्टर, ये CBR टेस्ट जो करते हैं उसका, ठीक है, टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर जो था हमारा मैकेनिकल, वहाँ पे जहाँ पे लेबोरेटरी में जो कॉम्पैक्टर लोग यूज़ किया है टेस्टिंग के थ्रू, वहाँ पे ये 4.5 kg ऑफ रैमर यूज़ किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर या ब्लोज, आप अपने इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स पढ़े होंगे कि हम लोग जब किसी भी सैंड या सील्ट का बनाते हैं तो उसमें एक रोल करके बनाते हैं, ठीक है, उसको कुछ नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं, ठीक है। वो तब तक फाइंड, ये मैं आपको एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाकर शेयर करूँगा कि और सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे ड्राई डेंसिटी mg पर मीटर की हो, ठीक है, ये हमारा ड्राई डेंसिटी जो है और मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज के बेस पे, ठीक है, कितना हमारा दोनों का कंपेरिजन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मिनिमम जो है इस एरिया में देख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.4 फोर वैल्यू पे 2.4 हमारा ड्राई डेंसिटी आ रहा है, ठीक है। फिर देखो हमारा ड्राई डेंसिटी को वैल्यू इंक्रीज होते के मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये आप देखेंगे तो मैं कुछ ऐसे 8 पॉइंट पे, 8.2 पे हमारा ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है 8.2 है, 8.2 के बाद उस सैंड में इस वैल्यू तक रीच करने में उस सैंड में कोई भी मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसमें मिनिमम मॉइस्चर, यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट होना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब उसके अंदर मैक्सिमम क्या मॉइस्चर है अवेलेबल है, ठीक है। और हमारा जो उस सैंड का आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम, देख सकते हैं आप मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी mg पर मीटर क्यूब क्या है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, ठीक है। ये जैसे कि देख सकते हैं हमारा ऑप्टिमम वैल्यू है और इसको कंपेयर करेंगे तो 2.14 mg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो फ्रेंड जनरली ये होता है हमारा रीड करने का, ठीक है, ये हमारा लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गया है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन किया। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं जैसे इनिशियल सैंपल प्रिपरेशन, ये कोड्स होते हैं जनरली हर एक कंट्री का अपना कोड होता है जो एक्सेप्ट करता है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यहाँ UAE में मेनली जो है आपको UAE में ब्रिटिश स्टैंडर्ड का कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी और लेबोरेटरी का जैसे टेस्टिंग के लिए, स्टील टेस्टिंग के लिए या फिर क्यूब टेस्टिंग के लिए, सैंड टेस्टिंग के लिए, जो भी है ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड है उसके अकॉर्डिंग है सैंपल लिया गया है और इसको टेस्टिंग किया गया है। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 8.2 और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.14 है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और बेल आइकन को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले भी यहाँ बताया था कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.14, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 8.2 पे है, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अच्छे और टेक्निकल वीडियोस के साथ आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।